उसके कई सालों पहले, भाइयों कई सालों पहले इस मकान का कोई भी समय पहले कोई मालिक था। हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान में। तो मेरे भाइयों, आज मैं आया हूं एक बहुत ही बड़ी मतलब कि जंगल में। वहां जंगल में एक मकान है, वहां पे कई बार शैतान की आत्मा को देखा गया है। मेरे भाइयों, शैतान की आत्मा को वहां पे कई बार देखा गया है, क्योंकि उस घर के अंदर मतलब कई सालों से कोई भी वास नहीं है। तो भाइयों, ज़्यादा घर यानी जंगल में पड़ा रहेगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसी आत्मा घर में वास कर लेती है मेरे भाइयों, जो वापस कभी बाहर नहीं निकलती। तो आज मैं उस ओर्की के अंदर जाकर रिवील करने वाला हूं और वीडियो पूरी आपको बताने वाला हूं कि उस घर के अंदर क्या है क्या नहीं है। एक छोटा सा घर है, ठीक है मेरे भाइयों। और भाइयों, मेरी तरफ से सभी भाइयों को पहले अस्सलाम वालेकुम, राम राम और सत श्री अकाल। वीडियो चालू करने से पहले भाइयों, मैं आपसे एक बात बोल दूं कि जिस किसी भी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भाइयों, अब मैं जाने वाला हूँ। और भाइयों, एक बार और मैं आपको बता दूँ कि सभी भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक और मेरी टीम की तरफ से भी भाइयों ईद मुबारक। आज मेरी टीम में मेरे साथ में सिर्फ फिरोज भाई है और हम दोनों ही बंदे हैं। और जाने वाले उस मकान के अंदर, वहाँ पे कौन है मतलब कि किसकी आत्मा है वहाँ पे, पूरा आपको विस्तार रूप से बताएंगे। तो फिरोज भाई, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं करते, निकलते, ठीक है ना भाइयों। ये पूरा सुनसान रोड है। और यहाँ पे एक बात बता दूँ भाइयों कि गांवों में कच्ची सड़कें बहुत होती हैं और इस गांव में ये मतलब जाने की, इस जंगल से निकलने का ये एक ही रोड है, जो कि इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं पगडंडी रोड। ये पगडंडी रोड है मेरे भाइयों। मेरे पीछे आ गया, आवाज आ रही है किसी की? रुक भी, आवाज आ रही है इस मकान के अंदर से। आवाज आ रही है ना? ये देखिए भाइयों, लगातार आवाज आ रही है भाइयों, लगातार आवाज आ रही है। फिरोज भाई आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। भाइयों, पूरा जंगल है और वहां पर वो घर है। फिरोज भाई, एक बार आगे से बता दीजिए आप मेरे भाइयों। ये जो पूरा मकान है, आप कैमरे में आपको दिख रहा होगा, फिरोज भाई आपको पूरा बताएंगे मकान, और मैं इस मकान के अंदर जाके आपको बताऊंगा। और मतलब कि कई सालों पहले इस मकान का कोई भी मतलब कि अभी मुझे मालूम है जब तक तो कि इस मकान का कोई समय पहले कोई मालिक था, बल्कि यहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई थी ऐसा कोई सुनने में भी आया था मेरे, कि वहाँ पे वो जो उसने मकान बनाया फिर एक दो साल बाद में वो यहाँ पे ही मर गया। अब वो मरने का अभी तक उनको पता नहीं कि वो कैसे मरा, के मतलब वो बीमार होकर मरा या उसने अपनी सुसाइड की, वो अभी तक उनको कुछ भी पता नहीं है, बाकी वो यहीं पर मरा था।
तो हम जाने वाले हैं और इस घर को पूरा चेक करने वाले हैं, तलाश करने वाले हैं कि यहाँ पे किसकी आत्मा है और कौन सी आत्मा है। तो आ जाइए फिरोज भाई मेरे पीछे पीछे। किसकी आवाज आ रही है? आवाज ये लगातार आ रही है। मैं जब उस सड़क से नीचे उतर के इस घर की साइड में बढ़ा, तब से लगातार आवाज आ रही है। भाई मकान के अंदर कोई था अभी, मुझे ऐसी काली परछाई जिसे कोई इंसान बैठा है, पूरा ब्लैक कलर का था वो, पूरा काले कलर का। पीछा करो मेरे, चलिए मेरे साथ ना। कोई इधर ही था यार, तूने कोई पूरा मकान बता तो, पूरा मकान कई सालों से ऐसे ही। वो लगातार चीजें हो रही है। मैं जब अंदर जाके देखा मैंने, तब भी आवाज आ रही है। भाई वो चीजें हमको बार बार बताना चाहती है कि हम यहाँ पर ही रहेंगे। मतलब भाई ये तो तय है कि इधर कोई न कोई है, ये पक्का है, इधर कोई ना कोई तो है। इस बात का तो पता चल गया कि लगातार वो चीजें अपने साथ में ऐसी ऐसी हो रही है कि वो पूरी चीजें हमको महसूस दिलाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई है। अभी एकदम से उस घर के ऊपर पत्थर आया। पिक्चर हो, ये क्या बेटा, ये क्या, ये इधर कहाँ पर काला सा साया बैठा है इधर कोई। आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, किधर? लाइट इदर? लाइट करो तो इधर। किधर? ये देखो, पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ। ओ भाई यार, ये कौन था? कोई बैठा था वहाँ पे? पीछे की तरफ तो नहीं किया? हाँ तो भाई, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है फिर पीछे की साइड में। वो कुछ ऐसी काली परछाई थी, कांटे बहुत है। यहाँ पे वो अभी खड़ी थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज हमारे साथ में बार बार हो रही है। बार बार हमको जो चीज, वो चीज हमको महसूस दिला रही है कि यहाँ पे है वो चीज, यहाँ पे वो है। क्या मेरे भाई फिरोज भाई, पीछे आ जाओ, वरना ये चीज अब उनको कुछ नुकसान दे सकती है। आप जो कोई भी हो, मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कोई है यहाँ पर? अगर हो यहाँ पर तो मुझसे बात करने की कोशिश करें आप। कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? अभी वो सिर्फ हमको हानि पहुंचाना चाहता है, हमसे बात करना नहीं चाहता है वो। जो कोई भी है यहाँ पे, पूरा भाई, पूरा भाई, ये कौन है? कोई जा रहा है, कोई जा रहा है। ये क्या होगा? पूरा भाई आराम से, आराम से, ये हम पे कोई अटैक ना करते, आराम से।
मेरे भाई ये देखो पेड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है अभी तक। आगे मैं चौधरी आ जाओ, यहाँ पे नुकीले कांटे बहुत ज्यादा है। आपने देखा था फिरोज भाई? भाई देखा। आप जो कोई भी हो, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। आप जो कोई भी हो, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप इधर क्यों भटक रहे हो और आपको क्या चाहिए कि इस जगह को आप यहाँ से छोड़कर वापस चले जाओगे। मेरे भाइयों, मैं गूगल टाइम भी बता देता हूँ, फिर भी एक बार दो मिनट। गूगल टाइम फॉर इंडिया मेरे भाइयों लगभग लगभग 2 बजने को आई है। कितनी? 2 बजने को आई है और 2 बजे मैं इस लोकेशन पे आया हूँ। 2 बजे भाइयों, आप जो कोई भी हो मेरे सामने आने की कोशिश करो। ये क्या खड़ा पापा? ये देखो फिरोज भाई, क्या हुआ? फिरोज भाई वो कोई आत्मा ही थी, मुझे जब तक लगता है वो आदमखोर हेवन की आत्मा थी। वो आदमखोर हेवन की आत्मा थी मेरे भाई। यहाँ पर आदमखोर हेवन ने अपना घर कर लिया। किसके बाजार? ये देखी आदमखोर हेवन ने इस घर में अपना घर पसेरा कर लिया है। मेरे भाई इधर हम 2 बंदे हैं, रात को 2 बजे, और अगर हम दोनों यहाँ पर अकेले रहे तो हमारे साथ में कुछ भी दुर्घटना भी घट सकती है मेरे भाई। यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे या तो हमको बाबा जी से पूछ कर आना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट आए फिरोज भाई, हम डायरेक्ट आए बाबा जी से, हम कल पूछ कर आएंगे यहाँ पर आएंगे फिरोज भाई। ठीक है, 3 बंदे, हम 2 बंदे हैं और मेरे भाई अगर हमारे साथ में कुछ भी ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो हमको यहाँ पर बचाने वाला भी कोई भी नहीं है। तो मेरे भाइयों और बाबा जी के पास में हम कल जाएंगे, और जिस किसी भी भाई को कुछ भी चीज़ अगर पूछनी हो बाबा जी से तो वो पूछ सकता है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे भाइयों। और फिर भी आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई। यहाँ पे जाने का कहाँ से था? किधर से आया? पीछे की तरफ। पीछे की साइड से आएंगे? इस साइड बाहर से, ये साइड थी ना बाहर जाने की। मेरे भाई तुम्हारे पीछे कोई आ रहा था, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा था, मुझे ऐसा लगा तुम्हारे पीछे कोई था, कोई था तुम्हारे पीछे कोई। भाई तुम्हारे पीछे कोई ना कोई खड़ा था, मैंने देखा था यार। ये क्या? वो अभी तो खड़ा है पापा, अभी तो खड़ा है। देखो वो, ओह गॉड, वो सामने दिख रहा है। देखो आवाज आ रही है, हिल भी रहा है। वो हिल रहा है। क्या जा फिर भी क्या आ गया यार? अरे यार वाकई में बहुत शैतानी आत्मा है यार। ये शैतानी आत्मा है मेरे भाई, और 2 ही बंदे हैं अपन। उनको यहाँ से ऐसे में हम अपना बचाव भी नहीं कर सकते भाई। यहाँ से निकलने में अच्छा लगता है, क्योंकि भाई हम बाबा जी से कुछ भी पूछ कर नहीं आए कि बाबा जी अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हमको वहाँ पर क्या करना है, क्या चीज नहीं करनी है। तो यहाँ से अगर अपन आवाज आ रही जाते, आवाज आ रही, आवाज आ रही, लगातार आवाज आ रही। भाइयों और ये सड़क से इतनी अंदर आई हुई है कि यहाँ से अपनी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देगी। अगर अपन किसी भी प्रॉब्लम में मुसीबत में फंस जाते हैं तो अपनी आवाज किसी को भी यहाँ पे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ये मकान आया भी इतना जंगल के अंदर है मेरे भाइयों। तो इधर से जल्दी निकलने निकलते हैं भाई। और भाइयों और आपको मैं एक चीज बता दूं कि जिस किसी भी भाई को बाबा जी से कोई भी पूछना हो अपने घर के बारे में, अपने काम काज के बारे में, तो वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी इरफान के टीम 99 है। ठीक है मेरे भाइयों, और यहाँ पे जो चीज़ हमने देखी अगर वो किसी ने और ने भाइयों देख ली हो
तो यहाँ पे फटके, यहाँ पे ही वो सो जाएगा, लंबा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है इरफान भाई, चलते हैं, यहाँ से चलते हैं यार, फिर चलते है ना। तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना आज, तुम्हारा भी मन नहीं कर रहा, मेरा भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि दो बंदे हैं ना सामने दिख रहा वो, हाँ सामने एकदम दिख रहा, दो बंदे से कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे भाइयों अब मैं यहाँ से चलता हूँ जंगल से, क्योंकि मुझे जंगल से निकलने में भी भाइयों करीबन आधा घंटा लगेगा। तो आपका भाई अब चलता है, लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत। सभी भाई देखते रहे अपना चैनल हिस्ट्री इरफान, निकले।